यमुनानगर में पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हरियाणा के यमुनानगर में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने पश्चिम बंगाल के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा। इस अवसर पर महिलाओं ने कहा कि कितने शर्म की बात है कि एक महिला अपने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर रही, वहां की सरकार रक्षक की बजाय भक्षक बनी हुई है। महिलाओं पर चौक चौराहों में अत्याचार हो रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनका मानसिक शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। महिलाओं ने इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की और महिलाओं का आरोप है कि जिस महिला को पूजा जाता है उसी का शोषण हो रहा है। मेरा नाम साधना चौहान है, मैं विष्णुनगर में रहती हूँ और ये न्यूज़ में और उसमें वीडियो पे, सोशल मीडिया पे इस तरह की वहाँ की घटनाएं देख देख के हम सब महिलाओं ने जैसे आपस में संपर्क करा, किसी ना किसी माध्यम से जुड़ी हैं, तो हम सबके मन में एक पीड़ा हुई कि वहाँ पर हमारे पश्चिमी बंगाल में भारतीय महिलाओं के साथ इस कैसा अत्याचार हो रहा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर नारी की पूजा होती है, कहते हैं यत्नारस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसे देश में इस तरह की घटनाएं होने पे हमें बहुत शर्म महसूस हुई और वहाँ पर पश्चिमी बंगाल की जहाँ की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है, वो महिला होके उस राज्य में एक ऐसा कार्य हो रहा है, वहाँ की महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, उनका शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह से उनको इस तरह से जलील किया जाता है कि वो समाज में सिर उठा के भी चलने लायक नहीं रह गई हैं।